एक से 1.5 लाख, फिर 2 लाख, फिर सीधे 5 लाख पे जाती है गाड़ी। जो पहले पैसा नहीं कमा पा रहे थे, थक रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है। मेरे अर्ली चाइल्डहुड में मैं बहुत ही पुअर स्टूडेंट थी। इतनी पुअर, वो बच्चे नहीं होते हैं जिनको मार पड़ेगी इस डर से अपने ही प्रोग्रेस कार्ड पे फेल कार्ड के पास लिखना पड़ता है। मैं उन स्टूडेंट्स में से थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, हालात सुधरते गए, लेकिन मैं एक बहुत अच्छी एवरेज स्टूडेंट थी, एवरेज। अब स्कूल में टीचर्स को ना सिर्फ दो तरह के स्टूडेंट्स के नाम याद होते हैं, एक जो बहुत स्टूडियस हो, दूसरे जो बहुत शैतान हो। मैं दोनों ही नहीं थी, मैं सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट थी। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि वो बहुत एवरेज हैं, वो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। मैं एक ब्राह्मण परिवार से आई हुई हूँ, तो हमारे यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी, पत्रिका, कुंडली, इन सब चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। आपके यहाँ भी ऐसा कुछ ना कुछ गेम जरूर होगा, तो इसलिए आप और रिलेट कर पाएंगे चीजों से, क्योंकि आपको भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। मेरे पास मेल्स और कमेंट्स आते रहते हैं, पंडित जी ने ये बोल दिया है, टैरो रीडर ने वो बोल दिया है। तो मेरे लिए भी भविष्यवाणी कर दी गई पूरे खानदान के सामने कि मैं खानदान की सबसे नालायक लड़की हूँ और मेरे हाथ में स्टडी लाइन का पता ही नहीं है और मैं गंवार ही रहने वाली हूँ और जितनी जल्दी शादी कर दो उतना अच्छा है। अगेन, आप में से जिन लोगों को ये लगता है कि ये सारा कुछ झोल सिर्फ उन्हीं की लाइफ में होता है, तो नहीं बाबा। अब गेम कब चेंज हुआ? जैसा कि मैंने बताया, मैं एक बहुत पुअर स्टूडेंट थी और उसके बाद मैं एक बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, तो मैं और मेरे हाथ में तो स्टडी लाइन ही नहीं थी अगर मैं उन लोगों की बात मानूं तो ये गेम कब चेंज हुआ? ये गेम एग्जैक्टली उस मोमेंट में चेंज हुआ जब उस शख्स ने पूरे परिवार के सामने कहा कि भैया ये तो गंवार ही रहने वाली है, और उनके साथ साथ परिवार के एक दो लोगों ने और ज्वाइन कर लिया। पहली बार मुझे याद है, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार तब एक एम बनाया। 12th तो इसी तरीके से पास हो चुकी थी, लेकिन मैंने पहली बार ये डिसाइड करा कि मुझे इस शख्स को गलत प्रूफ करना है। अब तब आप इतने छोटे रहते हो और आपको घर में कुछ बोलना अलाउ नहीं रहता है, और आपके सामने वो सारे लोग बैठे रहते हैं जिनसे आपको डर लग रहा है। आप सामने कुछ कह तो नहीं सकते हो, लेकिन इसी को बोलते हैं इनर वर्ल्ड, कि अंदर क्या चल रहा है। पहली बार मैंने अपनी लाइफ में एक एम बनाया कि भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे इस शख्स को गलत साबित करना है। एम भी ये नहीं था कि मुझे इतने परसेंटेज बनाने हैं या मुझे इतना हाई जाना है, नो, सिर्फ ये कि इनको गलत साबित करना है। अब उस साल मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए और हार्ड चेंजेस आए। सब्जेक्ट का चेंज होना, तो नया कुछ भी नहीं आता। जो लोग आपके साथ में हैं उनको ऑलरेडी सब कुछ आता है, तो आप में से उन लोगों को जिनको लगता है कि इनको ज्यादा आता है और हमको नहीं आता, आप रिलेट कर सकते हो। मुझे सच में ज्यादा कुछ नहीं आता था, टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव नहीं थे, क्योंकि अगर कोई नया इंसान आपको शक्ल दिखाएगा और पहले से जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे ऑलरेडी उनके पास हैं, तो वो कितना ही ध्यान देंगे। फिर एक फ्रेंड से मैंने पूछा, कितना हो गया तेरा, कितना प्रिपेयर हो गया? ओ मैन, उन्होंने कहा, यार मेरा तो 20 बार रिविजन हुआ है बस। मुझे लग रहा था मेरा सिलेबस एक बार भी पूरा नहीं हुआ है, और जो है वो समझ में आ नहीं रहा है, और इसका 20 बार रिविजन हो चुका है बॉस, ये कहाँ है और मैं कहाँ हूं। जब रिजल्ट आया तो मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था। तो जो मैं बता रही हूं कि मेरी लाइफ का गेम एक्चुअल कहाँ चेंज हुआ और बिलीफ कब टूटते हैं और आगे क्या होता है, और जब बिलीफ टूटते हैं उसके बाद लाइफ में क्या होता है। तो आप सब लोगों को भी इस तरह के बिलीव्स रहते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, हम इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, दे आर बेटर, उनको ज्यादा आता है और हमसे बेहतर ही है सारी दुनिया। मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही सब हुआ पड़ा था, और परिवार के वो लोग जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, तो एग्जैक्टली मेरे साथ भी वही सिचुएशन थी। फिर यूनिवर्सिटी टॉप किया, यकीन नहीं हो पा रहा था सच बताऊं तो। न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश हुआ था, कॉलेज की तरफ से नाम आया था, लेकिन मुझे अंदर से
पा रहा था क्योंकि ऐसी पोजीशन कभी हासिल नहीं करी है और जो साल भर साथ में चला आ रहा था वो कुछ और ही था। जिन सर ने मुझे पढ़ाया था मैं उनके पास मिठाई लेकर गई कि फाइनली जैसा भी है, जैसे भी पढ़ाया, कोऑपरेट किया नहीं करा, लेकिन फाइनली मुझे सब्जेक्ट, जो नया सब्जेक्ट था मेरे लिए, उन्होंने बताया। उन्होंने मिठाई का पीस उठाया और एक नीचे दिखाने वाली स्माइल देते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी से भी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। समझ नहीं आ रहा था रिएक्ट क्या करूं, जवाब क्या दो। लेकिन अब वो एक बिलीफ टूट चुका था, जो लोग कहते हैं वही सच है। उनकी बात पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ती रही। उसके बाद से मैंने ये नोटिस करा कि मैं जहां भी जाती थी कोई मुझे एवरेज स्टूडेंट नहीं समझता था। ये चीज मुझे फील हो पा रही थी। धीरे धीरे ऐसे बिलीफ टूटे और मैं हमेशा टॉप पोजीशन पर ही रही, चाहे मैं दुनिया की किसी भी फील्ड में हूं। और वो लोग जो ये सारी बातें किया करते थे, पढ़ेगी नहीं, गंवारी रह जाएगी, शादी जल्दी कर दो, या फिर यूनिवर्सिटी से गलती हो गई, वो सारे लोग आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कहीं भी नहीं होते हैं। लेकिन इस सारे किस्से में जो बहुत अच्छा होता है वो ये होता है कि ऐसा कुछ होना आपके लिए बहुत जरूरी होता है अगर आपके लाइफ में एक चेंज लिखा हो, और अच्छा चेंज लिखा हो तो। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है आपके इनर वर्ल्ड पे, आपकी डिसीजन मेकिंग पे। इस पूरी स्टोरी को दोहराओ अपने माइंड में। अगर यूनिवर्स ने सपोर्ट किया तो मुझे ही सपोर्ट किया, क्योंकि मेरा डिसीजन था। फाइनली पहली बार मैंने एक गोल बनाया था, एक एम बनाया था, कुछ डिसाइड किया था और यूनिवर्स ने मुझे सपोर्ट करा। अब आप समझ पा रहे हैं कि यूनिवर्स किस चीज को सपोर्ट करता है? आपके डिसीजन को। जी हां, आप आपकी बेहतर जिंदगी से सिर्फ एक डिसीजन दूर हैं। और अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो आप सिर्फ एक ईमेल दूर हैं। मेरा ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगेन, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के किस्से हैं जो पहले पैसा नहीं कमा पा रहे थे और आप काम कर करके थक रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है। तो ये जो लॉज हैं, ये जो आपका इनर वर्ल्ड है, ये सपोर्ट करता है आपके अपने डिसीजन को, किसी और के नहीं। और आप उस डिसीजन के लिए क्या करते हैं उसको सपोर्ट करता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी बेहतर करना चाहते हैं और अपनी पुरानी लाइफ से तंग आ चुके हैं और लोगों की बातें सुन के तंग आ चुके हैं, डेयर टू प्रूव देम रॉन्ग, डेयर, मैं आपको ये डेयर दे रही हूं कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितना ऊपर जाना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप इसे रिलेट कर पा रहे हैं तो पॉज कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब ये जो चीजें होती है ना, ये सिर्फ पढ़ाई के किस्से में ही नहीं है, ये पैसा कमाने वाले फैक्टर में भी काम करती है, ये लाइफ में सक्सेस में काम करती है। मनी की फील्ड में मैंने अधिकतर ये नोटिस करा है कि मनी जो एनर्जी है वो यूजुअली एनर्जी है प्यार की। एक बार जब बिलीव्स टूटना स्टार्ट होते हैं ना, एक बार जब वो बार टूटती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप 50,000 रुपए कमाते हो और आप डिसाइड करते हो 1,00,000 जाने के लिए, एक बार अगर आप वो बार तोड़ोगे और एक बार आपको अगर अपने दिमाग के लिमिटेशन की वो बार तोड़नी आ जाएगी तो आप उसको बार बार तोड़ोगे, फिर 1 से 1.5 लाख, फिर 2 लाख, फिर सीधे 5 लाख पे जाती है गाड़ी। तो अगर आपको मेरी मदद की जरूरत कभी भी पड़े तो मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, मुझे जाते जाते आपसे ये जरूर कहना है, मेरे पास दो तरह के बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं। एक है हेल्थ के ऊपर वीडियो बनाओ और एक है मनी के ऊपर वीडियो बनाओ। आप क्या चाहते हैं अगला वीडियो किस पर बनना चाहिए, प्लीज कमेंट बिलो। नाउ वी आर ट्राइंग कि हम हफ्ते में 2 बार वीडियो रिलीज कर पाए। एक बार, सिर्फ एक बार अगर आपने आगे बढ़ने की ठान ली, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकती। ट्राई इट, करके देखो, मजा आएगा। जल्दी मिलती हूँ आपसे, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, थैंक यू।